हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर का पार्ट 4। इसके पहले हम लोगों ने एग्रीकल्चर को पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, तो अगर आपको वीडियोस देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुसंधान संस्थान से, जो भी इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनसे हमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उनको हमें पढ़ना है। तो पहला हमारा कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर दी सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है भारत के हैदराबाद में। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये। ठीक, फिर हमारा कि भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि लाख कहाँ पे होता है, लाख के कीट होते हैं जिसे हम लोग, इन कीटों को किस नाम से जानते हैं? लैसिफर लाख का। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ लिया कि लाख के कीटों को और किस नाम से जानते हैं या फिर लैसिफर लाख का क्या है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? एक कीट है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं प्रकृति का वरदान। तो लाख, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? रांची में स्थित है भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन हमारा मिलान करना है, हमें बोर्ड दिए हैं और उनका मुख्यालय कहाँ पे है। जैसे अगर हमसे पूछ ले कि कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय हमारा कहाँ पे, कोटा बेंगलोर में। ठीक है, कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में है। अब कॉफ़ी से हमारे क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जैसे कॉफ़ी किसे बनता है? कावा से। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? ब्राज़ील में होता है। इसके अलावा आपको पता है कि भारत में 5 कॉफ़ी को क्या दिया गया है? जीआई टैग। जीआई टैग के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक विशेष भौगोलिक स्थिति में जो भी उत्पाद उत्पन्न होते हैं उनको दे दिया जाता है जीआई टैग, जिससे उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, उनके लिए जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो जाते हैं। ठीक, तो 5 कॉफ़ियों को दिया गया है जीआई टैग। दूसरा हमारा रबड़ बोर्ड, रबड़ बोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो इसका मुख्यालय है कोट्टायम में। ठीक, फिर हमारा चाय बोर्ड, चाय बोर्ड का मुख्यालय हमारा कोलकाता में है। एंड लास्ट हमारा तंबाकू बोर्ड। अब चाय बोर्ड और तंबाकू बोर्ड से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अभी हुआ है हाल ही में करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ा था कि हाल ही में चाय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एशियन टी अलायंस हुआ है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि एशियन टी अलायंस में कुल कितने देश शामिल हैं? 5 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं? भारत है, चीन है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है और है जापान। ठीक, तंबाकू से क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखिए, भारत एशिया का पहला देश बना है जिसने जो भी प्रोडक्ट होते हैं टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उस पर क्विट लाइन नंबर दिया है। ठीक है, भारत ने जो प्रोडक्ट है उन पर क्विट लाइन नंबर दिया है ताकि लोग तंबाकू को छोड़ने का प्रयास कर सकें। इसके अलावा तंबाकू निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निरोध दिवस के रूप में, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा कि राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ पे स्थित है या स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। याद रखिएगा कि हैदराबाद है तेलंगाना की कैपिटल, और जो हमारा 24वां हाई कोर्ट था वो कहाँ पे चला गया है? हैदराबाद है, ये चला गया है तेलंगाना के टेरिटरी में। और भारत का 25वां हाई कोर्ट बन रहा है आंध्र प्रदेश में, बन चुका है 1 जनवरी से वहाँ पे काम चालू हुआ है। फिर हमारा कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है या स्थित है? मैसूर में। ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पे, किस राज्य में स्थित है या स्थित है हमारा? मणिपुर में। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। फिर हमारा कि शिलाघर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। तो अब अगर ऑप्शन आएगा भी तो क्या आएगा? प्रयागराज आएगा, याद रखिएगा। शिलाघर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में। मृदा विज्ञान की बात करें तो भारत में कौन से प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, जो कि काफ़ी उपजाऊ भी है। एंड आपको पता भी होना चाहिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश भी है।
अगला हमारा कि किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। यह भी जानना होगा कि क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस है। चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस कब है? 23 दिसंबर को। और इसी के दूसरे दिन, दो दिन बाद 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस है, जिसे हम लोग सुशासन दिवस या फिर गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। ठीक, फिर हमारा कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है हमारा कानपुर में। कहाँ पे स्थित है? कानपुर में स्थित है। अब बात आती है कि दलहन के मामले में नंबर वन कौन पे कौन सा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दलहन कहाँ पे होता है, तो यह होता है मध्य प्रदेश में। और ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, एक क्वेश्चन आता है कि उत्पादन को लेकर के कौन सी सीरीज सही है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है किसका, सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा हमारा धान का, फिर होता है हमारा गेहूं का, उसके बाद होता है हमारा मोटा अनाज, एंड नेक्स्ट आता है हमारा दलहन। तो चौथे स्थान पे अगर उत्पादन की दृष्टि हम लोग देखें तो फोर्थ स्थान पे कौन सा है? दलहन है। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये कानपुर में है, तो जो हमारा भारतीय चीनी तकनीक संस्थान है वो भी कहाँ पे है? कानपुर में स्थित है। ठीक, अगला हमारा कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर किया गया, तो पंत नगर में। मैंने आपको बताया था कि पंत नगर कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, और यहीं पर स्थित है भारत में पहला जो कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था, पंत नगर में। ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, उस समय क्या था? उस समय यह उत्तर प्रदेश की टेरिटरी में था। कहाँ पे था? उत्तर प्रदेश की टेरिटरी में था। अब कानपुर में देखिए और भी चीज़ें हैं, कानपुर के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं थोड़ा। जैसे भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूट संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में। ठीक है, जेके कैंसर संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में। अब कानपुर से ही सटा हुआ है लखनऊ, लखनऊ में भी देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पे है? लखनऊ में। भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। इसके अलावा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना कब की गई? 1985 में भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की गई। फिर हमारा कि गांव में स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है किस वजह से, तो सदस्यों के स्वयं की सहायता के लिए स्वयं सहायता समूह। बागवानी संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो यह हमारा स्थित है लखनऊ में। ठीक, इसके अलावा लखनऊ मैंने अभी आपको बताया, विष हो गया, औषधि हो गया, ये सब कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। अगला हमारा कि सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है झांसी में। ठीक, वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र। फिर हमारा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है मेरठ में। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने एकीकरण किया था, रियासतों का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इस वजह से इनकी जो मूर्ति बनी उसका नाम क्या रखा गया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा बन चुकी है। इसकी ऊँचाई कितनी है? 182 मीटर। ठीक है, 182 मीटर। ठीक, अगला हमारा नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है हैदराबाद में। ठीक, नेक्स्ट हमारा कि भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है हमारा बरेली में। ठीक है, पशु और पक्षी इन दोनों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? नहीं, ये तो पशु चिकित्सा है। अगर हम लोग बात करें अनुसंधान संस्थान की इनकी, तो ये स्थित है इज्जत नगर में। ठीक है, कहाँ पे? बरेली के इज्जत नगर में स्थित है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। ये दोनों बरेली में एक जगह है जिसका नाम है इज्जत नगर, वहाँ पे स्थित है। फिर हमारा कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है हमारा करनाल में। कहाँ पे स्थित है? करनाल में स्थित है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। दूसरा देखिए, यही बगल में हमें दिख रहा है हिसार। अब राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है हमारा हिसार में, और डेयरी कहाँ पे है? करनाल में। नेक्स्ट हमारा कि नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है नई दिल्ली में। ठीक, फिर था भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1980 में पारित हुआ था वन संरक्षण अधिनियम।
अगला हमारा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये कहाँ पे स्थित है? भोपाल। भोपाल और भी वजह से चर्चा में था। अगर हम लोग बात करें स्वच्छता सर्वेक्षण की, तो स्वच्छता सर्वेक्षण में भोपाल जो है सबसे स्वच्छ राजधानी के रूप में सामने आया है। ठीक है, कहाँ की राजधानी है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है, तो सबसे स्वच्छ शहर बना है इंदौर, जो कि कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक, अगला हमारा कि केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? धान बोले तो चावल, ठीक, यह स्थित है हमारा कटक में। लेकिन अगर यहीं हम पहुंच जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की, तो वह स्थित है मनीला फिलीपींस में, जिसका एक क्षेत्रीय केंद्र खुला है कहाँ पे? वाराणसी में। और इसने अभी एक चावल विकसित किया जिसका नाम है DRR44। ठीक, अगला हमारा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है भरतपुर में। फिर हमारा कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये अंबिका नगर में स्थित है, जो कि पड़ता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये भी आया है स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पे, दूसरा सबसे स्वच्छ शहर। अगला हमारा कि प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम शुरू हुआ है कहाँ पे? तो 1979 में शुरू हुआ है प्रयोगशाला से खेत तक का कार्यक्रम। फिर हमारा कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कृषि अनुसंधान संस्था परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो 1988 में आरंभ की गई थी कृषि अनुसंधान परियोजना। अगला हमारा कि वर्तमान में देश में कार्यरत राज्य कृषि विश्वविद्यालय की कितनी संख्या है, जबकि 5 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं और 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो टोटल नंबर कितना है? 55। एंड नेक्स्ट हमारा कि भारत वर्तमान में 2014 में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए थे? तो 634 कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, पहला हमारा कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ठीक, दूसरा है हमारा राष्ट्रीय पौध संरक्षण संस्थान, एंड फिर हमारा जैव उर्वरक, और फोर्थ है हमारा नेशनल ब्यूरो ऑफ सोशल सर्वे। इसमें जो हमारा सही सुमेलित है वो होगा पहला तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे है? जयपुर में। दूसरा भी सही है हमारा, ठीक, तीसरा भी सही है, और चौथा भी जो हमारा सही सुमेलित है, ये सभी के सभी सही सुमेलित है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में विजिट करें और जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।